जय श्री राम। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं हूँ यमुनोत्री धाम में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी भरतदास जी महाराज से भी आपको मिलाऊंगा, तो अभी भरतदास जी महाराज भी मेरे साथ में हैं और काफ़ी तेज़ यहाँ पे स्नोफॉल अभी भी जारी है। कल शाम से ही भारी बर्फबारी हो रही है। महाराज जी को जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, कितने दिन बाद आपके पास में कोई आदमी यहाँ पे आया है? 3 महीने के बाद आए होंगे। 3 महीने के बाद में? तो क्या भजन में कोई आनंद आया आपको 3 महीने तक? आनंद है, शांति है, अभी शांति है। अभी कितना फिट बर्फ है महाराज जी यहाँ पे? 5-7 फुट बर्फ होगा। 5-7 फिट बर्फ। और आपका नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको कोई संदेश? सबको आशीर्वाद, भक्तों को, अच्छा, और आनंद ले आए यहाँ पे। यमुना जी का बहुत आनंदमय दृश्य है यहाँ। कभी आए आपके पास में, जो भी यहाँ पे आना चाहिए यमुनोत्री में, यहाँ पे अन्न क्षेत्र सदैव चालू रहता है। आप ये सोच के ना आए कि यहाँ पे आपको भोजन नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा। यदि कोई भी यहाँ पे आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, तो साथ में किसी न किसी गाइड को या लोकल आदमी को लेके आए। धन्यवाद। जय माता दी। और श्री सिद्ध हनुमान मंदिर गुफा में हूँ मैं अभी। अभी आप देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी का दरबार। हनुमान जी सदैव पर्वत की तरह अडिग रूप में खड़े, और माँ यमुना जी भी शांत रूप में यहाँ पे, और हमारे गुरुदेव श्रीमान राम भरोसे दास जी महाराज भी यहाँ पर, उनकी प्रतिमा, उनकी चरण पादुकाएं। और सदैव यहाँ पर जो नित्य नियम श्रीमान महाराज जी ने बना के गए थे, उसी प्रकार से आज भी यहाँ पर पूजा हो रही है। उसी प्रकार से विधि विधान से रोज हवन किया जाता है, और काफ़ी अच्छा है। जो भी आना चाहे, सभी के लिए, भक्तों के लिए, श्री सिद्ध हनुमान मंदिर यमुनोत्री धाम के कपाट सदैव खुले हैं। यहाँ पे कभी कपाट बंद नहीं होते हैं, आप आ सकते हैं। जय माता दी। अरे यार, तुम तो इधर भी देख, देख इधर सामने है ना बर्फ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है अभी यमुनोत्री धाम में। मैं सच बताऊं तो अभी जब यात्रा शुरू होती है उस समय भी इतना आनंद नहीं रहता है जितना आनंद अभी यमुनोत्री धाम में है। और सुनील भाई भी हमारे लंगोट में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुनील भाई, ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा क्यों नहीं? अरविंद भाई, ठंडा ठंडा तो ठंडा लगता है, सबको लगता है, लेकिन सहन लगता करना है। पड़ता है, ठीक है, मेन सहन शक्ति होती है। और कल रात को भी 1-1.5 फीट बर्फ यहाँ पे पड़ी है, और पहले से भी 4-5-6 फीट बर्फ पड़ी थी, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और अभी मैं यमुना मंदिर की तरफ में आप सभी को दिखाता हूँ। उत्तराखंड पुलिस से शर्मा जी है यहाँ पे कार्यरत, अपनी ड्यूटी पे निभा रहे हैं। शर्मा जी, कितनी टफ है आपकी यहाँ पे ड्यूटी? देखिए, काफी टफ है ऐसी ठंड में, बर्फबारी। अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, 3 मेरे साथ के बैठे हुए हैं रूम पे, वो अपनी ड्यूटी पे टाइम पे आएंगे। वैसे सौभाग्य की बात है कि हम जैसे लोग यहाँ पर ऐसे पवित्र धाम पर हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर है शर्मा जी, आपका सौभाग्य है वास्तव में जो आप यहाँ पर माँ यमुना जी की सेवा में हैं, हनुमान जी की सेवा में हैं। और इसके बाद में आप सभी को मैं दिखाता हूँ सूर्य कुंड और दिव्य शिला की ओर। बहुत ही, अभी मैं बताऊं तो यात्रा काल में भी इतना सुंदर यहाँ पे नहीं होता है मौसम जितना अभी है। आप देख सकते हैं मैं नंगे पैर ही बर्फ में चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना कोई ठंडा नहीं है। और बोल यमुना महारानी की जय। अभी मैं हूँ दिव्य शिला के पास। अभी देखिए दिव्य शिला, और देखिए अभी माँ यमुना की यमुनोत्री धाम में जो दिव्य शिला नाम की जगह है, कहते हैं कि दिव्य शिला को स्पर्श करने मात्र से ही प्राणी मात्र के सभी पाप सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।